अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को आज मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं आज छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, दिखाती हूँ आप लोगों को। आज हमारे घर में थोड़ा सा हादसा हो गया था, तो मैं ऊपर जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हुआ था आज। थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, बहुत बड़ा मसला हो गया था। मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है ना, लास्ट में जा रही हूँ ऊपर, ठीक है। आज बड़े दिनों के बाद दिखा रही हूँ, सीन हो गया है आज। कितनी गंदगी हो रही है, सफाई हो रही है घर में, मामा और सफाई कर रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ ऊपर। तो गाइस एक मिनट, ये देखें, ये ले लो, ये क्या मंगाया है ले लो। तो गाइस ये देखें बाहर का, दिखाती हूँ थोड़ा सा। सर्दी का मौसम हो गया है, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो चुका है सर्दियों का। अब ये लोग सफाई कर रहे हैं घर में, मामा और ऊपर सफाई कर रही हैं, और बहुत गंदगी हो रही है। अभी साफ़ सुथरा हो जाएगा घर, सबसे ऊपर मैं आप लोगों को जाकर दिखाती हूँ, ठीक है। मैं ऊपर जा रही हूँ, गिर ना जाऊँ, फिसल ना जाऊँ, पानी बहुत हो रहा है। एक सेकंड में आ रही हूँ। देखें ये इतने सारे, तो गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ। देखें ये छत पे, वहाँ भी न्यू घर बन चुके हैं, छत पे आ चुकी हूँ सारा। ये देखें वो जो शॉप से, वो जो सबसे वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ पे सबसे वो जो वहाँ दिख रहा है, वो वहाँ पर स्टेशन है ना हमारे, यहाँ पे हैदराबाद का मेन स्टेशन है। पीछे की तरफ जाके, यहाँ से पीछे जाएंगे ना, उस तरफ मेन स्टेशन है, वहाँ पर हैदराबाद का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मतलब। आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है ना। छत पे आ गई हूँ मैं, तो दिखा रही हूँ। देखिए गाइस, यहाँ से जो मैं ऊपर, नीचे से ऊपर का दिखा रही थी, तो ये ऊपर का है सब ना, ये ऊपर से दिखा रही हूँ। आज एक थोड़ा हादसा हो गया था घर के अंदर, इतना मसला हो गया था, मतलब इतने परेशान हो गए थे हम लोग, और मसला हो गया था। अभी मम्मा उस तरफ खड़ी हैं, तो वो लोग हट जाएंगे, तो मैं आप लोगों को उधर से टंकी का भी दिखाती हूँ। आज ऐसा हादसा हुआ कि प्रॉब्लम हो गई थी, वो हमारी जो टंकी थी ना, वो है ना एकदम से, सुबह में मैं सो रही थी 11 बजे के करीब, और 11 बजे के टाइम पे ना वो टंकी के अंदर धमाका हुआ, एयर भर गई थी उसके अंदर, तो वो धमाका इतनी ज़ोर से हुआ, मैं इतना बुरा डर गई थी, पता नहीं क्या हुआ है। और मैं उठ के भागी सोते सोते, और मैंने सोचा पता नहीं क्या घर में कोई है ना, मतलब बम वगैरह फट गया क्या हुआ है। मैं एकदम सोते सोते गहरी नींद में जाग कर उठ के भाग कर मैंने बोला कि ना, ओहो घर, हमारे घर में धमाका हो गया, हमारे घर में धमाका हो गया। मैं सोते सोते नींदों में थी, और मेरा इतना मजाक उड़ाया घर वालों ने, मेरी सिस्टर ने छोटी वाली, कहने लगी आप ही क्या हो गया, तो है ना धमाका हो गया घर के अंदर, धमाका हो गया, इतना मजाक उड़ाया उन्होंने मेरा। और वाकई में बहुत बुरा धमाका हुआ था, मैं बहुत बुरा डर गई थी, क्योंकि टंकी जो है ना उसमें एयर फंस गई थी, और वो जो है ना टंकी के नीचे जो भट्टा लगा हुआ था वो भी गिर गया था मतलब ना। तो गाइस मैं भूल गई थी बताना आप लोगों को कि है ना, मतलब मैं बताना भूल गई थी कि आप लोगों को कि अचानक से ना, मतलब धमाका सा हुआ और मैं डर गई। मैंने बोला शायद पता नहीं क्या हो गया, और मैं डर गई, मेरी सिस्टर ने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि आप ही ये क्या हो गया था, मजाक बनाने लगी। ठीक है, खैर मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं। उसका जो मैं बताई थी फट्टा जो था ना टंकी का, वो असल में है ना, तो देखें गाइस ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये टंकी में से धमाका हो गया था, ये टंकी गिर गई थी बहुत बुरी तरीके से, नीचे फट्टा लगा हुआ था वो भी निकल गया था, मम्मा ने इसमें नीचे लकड़ी वगैरह लगाई थी और वो गिर गई थी ना, तो इसमें हुआ था धमाका, इसलिए गिरी थी। वैसे तो हमारी एक टंकी और है नीचे सीमेंट वाली, ये रही, ये हम लोग पानी नहाने और यूज़ के लिए लेते हैं, और इसमें हम लोग लेते हैं मतलब पानी वगैरह पीने के लिए, इसको रख रखी है हम लोगों ने, ये घर बन रहा था जब न्यू ली थी,
तो ये देखें मतलब फट्टा भी टूट गया था और इसके अंदर ना एयर फंस गई थी और इसके अंदर धमाका होता है, ये एक ढक्कन उड़ के गिरा था यहाँ पे आके और हम सब ने यहाँ पे डर के मारे यहाँ के घबरा गए थे ये क्या हुआ है। शुक्र है कि टंकी नहीं टूटी और नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है बच गई ये टंकी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब मैं ऊपर आई थी ना सुबह में तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब छत पर बहुत गंदगी हो रही थी और अब तो ये छत मतलब क्लियर मतलब क्लीन कर दिए, साफ़ सुथरी हो गई है छत वरना बहुत गंदी हो रही थी। ये पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है सारा कबाड़ा वबाड़ा, किसी दिन इसको भी ख़त्म कर देंगे। और अब तो साफ़ सुथरा हो चुका है, नीचे वाला घर भी साफ़ करेंगे। मैं अब नीचे जाने लगी हूँ, थोड़ी देर में चले आऊँगी नीचे, देखते हैं टंकी किस तरह से टंकी मतलब मम्मा टंकी को मतलब किस तरह से टंकी को सही करती हैं। इतनी वसी टंकी है ये। गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ, अभी तो ये यहाँ पे सब सफाई होगी, बहुत गंदगी हो रही है। मम्मा और तो सब ऊपर हैं वहाँ पर, देखिए वहाँ पर ऊपर काम कर रहे हैं और मैं नीचे आ चुकी हूँ। मम्मा ने कहा है कि मोटर चलानी है तो अभी मैं थोड़ी देर मोटर चलाऊँगी और मतलब कि मतलब सांस फूल गया, ऊपर से नीचे आई हूँ तो इसी वजह से। और है ना दूध वाला भी आ गया था, दूध लेने गई थी और जो मम्मा ने कहा कि मोटर चलाने के लिए मैं नीचे आई थी तो लेकिन देखा तो लाइट नहीं थी, लेकिन अभी लाइट आ चुकी है और मैं मोटर ऑन कर दूंगी थोड़ी देर में मतलब, और शायद जब तक ये लोग बोलेंगे मैं फिर मोटर ऑन करूंगी। और मतलब ये कि वो टंकी का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गाइस कि वो टंकी का जो मतलब मसला हुआ था वो बच गया, अल्लाह ताला ने करम कर दिया और अल्लाह ताला ने रहम फरमा दिया कि वो टंकी टूटी नहीं। अगर वो टंकी तो वैसे हमारी दो हैं, सीमेंट वाली भी और एक प्लास्टिक वाली, मैंने आपको दिखाई थी हमारा घर बन रहा था ना तो जब हम लोगों ने वो टंकी ली थी प्लास्टिक वाली, तो उस टंकी के अंदर मसला हो जाता तो उसमें मम्मा पानी भरती हैं पीने वाला, क्योंकि आप लोगों को मालूम है आजकल पानी साफ़ नहीं आता और जो टंकी में सीमेंट वाली में वो उसमें पानी हमारा पीने मतलब नहाने वाने का होता है, यूज़ का होता है। और मतलब वो जो प्लास्टिक वाली टंकी गिरी है जिसमें धमाका हुआ है एयर की वजह से, तो उस टंकी को मम्मा और अभी सही कर रही हूँ। पर मैं नीचे आ चुकी हूँ और उसमें जो धमाका हुआ है वो शुक्र है कि वो बच गई है, उसमें हम पानी भरते हैं, अल्लाह ताला ने बचा लिया वरना पानी का इतनी प्रॉब्लम हो जाती हम लोगों को। तो गाइज़ मेरी वीडियो का यहीं तक का साथ था, मैंने छोटा सा व्लॉग बनाने की कोशिश की, पता नहीं कितना बड़ा बना है मुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं देखती हूँ एडिट करूँगी तब। और अपना मतलब मेरी वीडियो का यहीं तक का साथ था आपका, और मेरी वीडियो का यहीं तक थी और बार बार बोल रही हूँ कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सॉरी गाइस। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे बेल आइकन को मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन और मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो नई हैं और मेरे मतलब मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। और मेरा आपका साथ यहीं तक करता हूँ, मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।